अल्मोड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये प्रदर्शन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर किया गया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। अल्मोड़ा के सारे कांग्रेसजनों ने केंद्र की सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में, यहां तक कि जो हमारे गैस है, घरेलू आवश्यकता की चीज है, उन दामों पर लगातार वृद्धि के विरोध में इस सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए उनका पुतला दहन करने का काम किया है। आप सबको, आज पूरे देश को पता हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में काफी फर्क है। इसी को लेकर के पूरे देश में जो उपचुनाव हुए हैं उससे इस देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने आगाह कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी करनी में आप कहते कुछ है, करते कुछ है। लगातार अभी 18-20 दिन से जो गैस और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव गरीब को पड़ रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस जन आज सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने उनका पुतला फूंकने का काम किया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में पेट्रोल के दामों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।